नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीएससी वाला है 1/2021 का एग्जाम है। दोनों के लिए पेड को फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8 या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस का फुल लेंथ प्री मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, ठीक, वो किस में था? प्राकृत भाषा में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो पाली भाषा में था, ठीक। और जो यहाँ पर एक बात मध्यम निकाय के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण पुरुष या कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, ये फैक्ट भी पूछा जाता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह सूत्र तक के 5 निकायों में से एक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, नलईर दिव्य प्रबंधम किसने लिखा और किस भाषा में लिखा? अलवर्स ने तमिल में, नायनार ने तमिल में, अलवर ने आपके तेलुगु में या नायनार ने तेलुगु में? तो देखिए, ये अलवर ने लिखा था और कहाँ पे? तमिल भाषा में, ठीक है। और अलवर्स कौन होते हैं? अलवर जो होते हैं वो होते हैं विष्णु के भक्त, ठीक, विष्णु के। और शेवाइट्स कौन होते हैं? उनको कहते हैं नायनार्स। नायनार्स हैं जो, ये होते हैं शिव भक्त, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित बौद्ध संगति को उनकी अवधि की कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। देखिए, पहली संगति है जो वो 483 BC में हुई है, सही है। दूसरी वाली है जो 383 या 84, दोनों ही लिखे मिल जाते हैं, ये भी सही है। और जो तीसरी है वो 250 BC में है, वो भी सही। और आपका चौथी है जो 1st century AD में है, ये भी सही, ठीक। तो यहाँ पर सारे ही सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो, उनमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। सारनाथ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। और सारनाथ है जो, वहाँ पर एक हिरण उद्यान है उसमें, जहाँ उन्होंने अपने पहले उपदेश दिया था और जिसमें उन्होंने 4 Noble Truths, 4 Arya Satya की बात की थी, है ना, नोबल ट्रुथ, ठीक। और इनको ही कहीं कहीं धर्म या विधि भी कहा जाता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ये सही है, ठीक। पहला और तीसरा यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खरोष्टी लिपि के बारे में देख लीजिए। यह लिपि अरबी की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, सही स्टेटमेंट है। और ईरानी लिपिकार जो थे वो भारत में इसको लेकर के आए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है, सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर दोनों ही सही है, सी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नाटक, ये कालिदास की कुछ कृतियां हैं, इनको बताना है आपको। देखिए, रघुवंश एक नाटक है, गलत हो गया। महाकाव्य मालविकाग्निमित्रम, ये भी गलत। और खंडकाव्य कुमार संभव, ये भी गलत, ठीक। तो देखिए, रघुवंश और आपका कुमार संभव, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों ही क्या है? महाकाव्य, ठीक है, ये दोनों ही महाकाव्य हैं। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम आपका एक नाटक है, और खंडकाव्य है जो, वो क्या हो गए आपका? मेघदूतम खंडकाव्य हो गया, मेघदूतम, ठीक। इसके अलावा ऋतु संहार, ठीक, ये आपके खंडकाव्य हो गए। तो यहाँ पर तीनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा तथा धातु की मुद्रा का चलन था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कागज की मुद्रा का चलन प्राचीन भारत में नहीं था, ठीक है, मुद्रा का चलन था इसका, सॉरी, धातु का चलन था, ठीक है। और धातुओं में कौन सी? तांबे की हो गई, चांदी की हो गई, सोने की हो गई, शीशे की हो गई, है ना, ये सारी चलती थी, ठीक। तो ये वाला भी सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, 1 and 3 सी आंसर। अगला देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेख राज्य देशों की कोटि में आते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा कोटि प्रशस्ति है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी कोटि है जो, वो प्रशस्ति नहीं है, दूसरी कोटि आपकी आनुष्ठानिक अभिलेख होता है, ठीक है। और तीसरी कोटि है जो, वो है जो आपकी, वो है प्रशस्ति, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर ये गलत हो जाएंगे। और बचा हुआ जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। अभिलेखों की दूसरी कोटि प्रशस्ति है जिसमें राजाओं की जय पराजय का वर्णन है, तो ये इसलिए भी गलत है क्योंकि यहाँ पे पराजय शब्द लिखा हुआ है। देखिए, प्रशस्ति तीसरी कोटि है जिसमें राजा की विजेताओं के गुणों
और कीर्तियों का वर्णन है, ठीक है, पराजय वगैरह के बारे में उसमें नहीं बताया गया। और आपका जो ये अभिलेख है, अभिलेखों की जो तीसरी कैटेगरी है वो लिखा है यहाँ पर अनुष्ठानिक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित किया है इसको, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तीसरा वर्ड लिखा है, तो दूसरा तीसरा गलत, ओनली वन सही है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, सौंदरानंद अश्वघोष, ये मिलान करना है आपको। सौंदरानंद किसकी है? अश्वघोष की, कामसूत्र वात्स्यायन अभिज्ञानम शाकुंतलम पता ही है, और दंडी स्वामी की है आपकी दाशकुमार चरित्र, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, इब्न बतूता मोरक्को के थे, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के थे, निकितिन रूस के थे, और सहीदी अल रईस हैं जो ये टर्की के थे, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए रेहला है जो वो निकितिन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रेहला आपके इब्न बतूता की है, ठीक, और किताबुल हिंद है ये इब्न बतूता की नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये है आपके अलबरूनी की, अलबरूनी, ठीक। और पादशाह नामा है जो बेसिकली वो तीन लोगों ने लिखी है, ठीक, गुलबदन बेगम ने नहीं लिखी। देखिए इसका तीन लोगों का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो शाहजहां के टाइम के शुरुआती 10 साल थे वो अमीन गजनवी ने, ठीक है, अमीन गजनवी, और उसके बाद जो अगले 20 साल थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और उसके बाद 21 से लेकर के 30 साल, ठीक, वो किसने वो दिए हैं आपके मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस, ठीक, ये तीन नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों यहाँ पर गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय है जो वो सातवीं सदी के में तीन लोग थे बेसिकली जो फेमस हैं, वो थे आपके कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और उसके अलावा मदुरई के पांड्य, ठीक, मदुरई के, और ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, इस काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि का अनुदान शामिल है, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पाल वंश की स्थापना 810 ईस्वी में गोपाल ने की, तो ये गलत है क्योंकि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई, ठीक है, और गोपाल ने की थी, ये सही है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने, ठीक है, ध्रुव को इन्होंने धर्मपाल ने पराजित किया था, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था, है ना। और तीसरा देखिए, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को प्रतिहारों ने भी पराजित किया था, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ध्रुव ने जो है वो प्रतिहारों को भी पराजित किया था, ठीक है, पहले प्रतिहार को पराजित कर चुके थे, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये कुछ यात्री है, मार्को पोलो हो गया, ये कहाँ का है? वेनिस का रहने वाला है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुलेमान है, ये अरेबियन है, ये भी सही है, और अल मसूदी है, ये बगदाद का है, ये भी सही, ठीक है, तीनों यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अमीर उल उमरा, ठीक है, ये एक उपाधि हुआ करती थी, मतलब किसको दी जाती थी ये बताना है आपको। देखिए, स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापतियों को, राज्य के जो खजांची होते थे उनको, व्यापारी वर्ग को, या युद्ध में जीते हुए गुलामों को। तो देखिए, ये जो उपाधि थी वो आपके स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापतियों को दी जाती थी। बेसिकली क्या था कि 9th century के अंत होते होते अब्बासी खिलाफत का पतन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि खलीफाओं ने एकता को कायम रखने के लिए एक तरीका अपनाया जिसमें कि कहा कि जो भी सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करेगा उसमें, मतलब जो भी स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा उन्हें अमीर उल उमरा या फिर सेनापतियों का सेनापति, इसका मतलब होता है सेनापतियों का सेनापति की उपाधि दी जाएगी, ठीक है, तो ये ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, विजयनगर शासकों ने खुद को निम्नलिखित में से किस देवस्थल की ओर से शासन करने वाला कहा, ठीक है, तो उनके टाइम पे जो सबसे फेमस थे वो कौन थे? वीरूपक्ष थे, अय्यप्पन थे, कार्तिकेयन थे, विट्ठल थे, तो वो थे वीरूपक्ष, ठीक, आंसर ए हो जाएगा। वीरूपक्ष का टेम्पल भी है हम्पी में, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्यद पुस्तक की रचना की, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, यह राज्य व्यवस्था पर आधारित है, राज्य व्यवस्था ना, स्टेट क्राफ्ट, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और तीसरा देखिए, यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संबंधित है?
कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही है ना, 1199 में ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और अगला देखिए, इल्तुतमिश ने 1229 में इसे पूर्ण करवाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो गए, मोहम्मद तुगलक हो गए और इब्राहिम लोधी हो गए, ये तीनों ही इसके निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाद में अलग अलग कारणों से क्षतिग्रस्त हुई है, ठीक है, तो इन सभी ने इसकी मरम्मत करवाई है, ठीक। तो ये सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश भारत में विलय का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो सतारा था, है ना, सतारा, ये कब था, ये हुआ था आपका 1848 में विलय किया गया था, ठीक। उसके बाद 1849 में आपका जैतपुर और संभलपुर, ठीक, और उसके बाद उदयपुर, ये 1852 में, फिर झांसी 1853 में, उसके बाद नागपुर, ये 1854 में, और नागपुर के बाद अवध जो था। अब अवध जो था वो मिस गवर्नेंस के नाम पर हुआ था, व्यपगत सिद्धांत पर नहीं हुआ था, लेकिन इसके जो सन है वो है 1856, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें जब अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक। अगला देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली से संबंधित कथन है, ठीक है। रैयतवाड़ी किसका है, डॉक्टर हेक्टर मुनरो का, ठीक है, हेक्टर मुनरो, थॉमस हेक्टर मुनरो। और कथन देखिए, इसे मद्रास में बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल में नहीं किया गया था, मद्रास में किया, उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किया, उसके अलावा असम के कुछ पार्ट्स में, असम प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट्स में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसमें क्या क्या मीडियोकर्स जो थे उनको हटा करके सीधे सरकार को लगान अदा करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, सत्य वाला पूछा है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखिए घेरे की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये किसकी है, वॉरेन हास्टिंग्स की, बिल्कुल सही। फॉरवर्ड पॉलिसी है जो, ये लॉर्ड लिट्टन की नहीं है, ये लॉर्ड ऑकलैंड की है, ठीक है, ऑकलैंड, ठीक, ये वाला। और महान निष्क्रियता की पॉलिसी है जो, वो लॉर्ड ऑकलैंड की नहीं है, वो है जॉन लॉरेंस, ठीक, जॉन लॉरेंस, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था कि रशिया के हमले से सुरक्षित रखने के लिए भारत की जो कंपनी थी उसको खुद से आगे बढ़ना था, ठीक। और महान निष्क्रियता का सिद्धांत जिसको मास्टरफुल इनएक्टिविटी कहते हैं, उसमें क्या था कि जो फर्स्ट अफगान वॉर हो रहा था उसमें जो आपदाएं और सीमांत समस्याएं थी उनके प्रतिक्रिया के लिए लाई गई थी ये पॉलिसी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर दो गलत हो जाएंगे, पहला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चाय, कॉफी, रबड़, जूट ब्रिटिश शासन के निवेश के मुख्य क्षेत्र थे, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सूती वस्त्र उद्योग था ये मोस्टली क्या है कि भारतीयों के स्वामित्व में ही रहा है, ठीक है, ब्रिटिश ने इसमें निवेश ज़्यादा किया नहीं, ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मोस्टली ब्रिटिश कंपनीज के साथ ही कॉम्पिटिशन करते थे, जो जिनमें ब्रिटिश कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं उन्हीं में कॉम्पिटिशन रहता था, तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, स्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। स्थाई बंदोबस्त किसका था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त कहाँ पर, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, यूपी का बनारस हो गया आपका, ठीक है, नॉर्थ कर्नाटक हो गया, ठीक है, इस वाले एरिया में लागू किया था, ठीक है। अब देखते हैं, इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, ठीक है, तो कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई लेकिन सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई, ये सही स्टेटमेंट है। और इसका संपूर्ण भाग जो था वो केवल जमींदारों को ही प्राप्त हुआ, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, मोस्टली जो इसमें फायदे में रहे वो जमींदार रहे, ठीक, याद रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 1785 में प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है, भगवत गीता, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है, विलियम जोन्स लिखा है तो गलत, विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी, ये वाला सही स्टेटमेंट है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, देखिए बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था वो, उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने करवाई थी, ये सही है, और कब करवाई थी ये भी पूछ लेते हैं, 1791 में, ठीक है। कोलकाता मदरसा लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ये भी सही है, ये करवाई थी 1781 में, ठीक है। और फोर्ड विलियम्स लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जुड़ा, ये भी सही है, और ये करवाई थी 1800 में।
ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे? राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री चिपलिंकर। तो देखिए तीनों ही उग्र राष्ट्रवाद वाले हैं। ये कहां कहां से हैं? राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त, ठीक, ये दोनों आपके बंगालीज हैं, बंगाल से, और चिपलिंकर हैं जो ये आपके हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध कला अपने राज्य के साथ सही समय लेता है? थंगता नागालैंड की है, गलत, क्योंकि थंगता किसकी है? मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर। और पाइका अखाड़ा हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी गलत, क्योंकि ये उड़ीसा, ठीक है, और थोड़ा ये उड़ीसा के साथ, ये भी गलत, क्योंकि ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो ये दोनों मिसमैच थे और ये अलग है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का स्थायी जमाव है, ये सही स्टेटमेंट है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूपरपटी का महाद्वीपीय भाग रहा है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही फैक्ट्स है, याद रखने हैं आपको, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गोंडवाना क्रम, रानीगंज, झरिया, सही स्टेटमेंट है। कुड़प्पा है जो वो लौह और निम्न कोटि के अयस्कों और खनिज के लिए, मतलब लो ग्रेड्स ओर और मिनरल्स के लिए फेमस है, ये सही स्टेटमेंट है। और आपका धारवाड़ क्रम है जो, ये चित्तौड़ से लेकर के सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन धारवाड़ का नहीं है, ये स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन है विंध्यास का, ठीक। और धारवाड़ क्रम है जो, वो कहाँ है? वो मिलता है आपको अरावलीज में, कर्नाटका में, ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है, और उसके अलावा दिल्ली वाले रीजन में भी, और हिमालय वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिलेंगी। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। बनिहाल पास है जो वो पीर पंजाल में है, खारदुंगला आपका लद्दाख में है, नीतिला है जो वो उत्तराखंड में है, और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आंसर ये सभी मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कामेत हो गया वो पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कामेत है जो जास्कर रेंजेस की है ना, जास्कर रेंजेस, और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कामेत है, ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? देखिए कुरिल जलधारा है जो वो ठंडी है, सही है। सुशीमा आपकी गर्म है, ये सही है। और अलास्कन जलधारा है, ये ठंडी नहीं है, ये आपकी वार्म है, ठीक, वार्म करंट है। तो ये हो जाएगा गलत, वन एंड टू ए आंसर हो जाएगा ना। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है इसका? जब इक्वेटर से जिसकी जिस करंट की डायरेक्शन पोल्स की ओर होगी है ना, वो वार्म करंट होगी, हॉट होगी, और जिसकी पोल से इक्वेटर की ओर होगी वो आपके कोल्ड होगी, ठीक। अगला देखिए, सरगैसो सी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री से 75 डिग्री वेस्ट पर स्थित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस सागर का तट है जो वो अमेरिका से जुड़ा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई कोस्ट नहीं है, है ना, ये इसके साथ एक फेमस चीज़ जुड़ी है कि सरगैसो सी का कोई भी कोस्ट नहीं है। तो दूसरा गलत, अटलांटिक सागर का सबसे खारा और सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सागर जल में लवणता के प्रमुख नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं? देखिए वाष्पीकरण है, वेपोरेशन है इसका, हवा की दिशा, विंड डायरेक्शन भी इसका एक कारक है, और समुद्र में पानी का परिसंचयन यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन भी है, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर भी है, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर है ना, समुद्र में नदियों का पानी जब मिलता है ना, तो उससे भी क्या नाम है, लवणता कम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और बचा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, ये भी एक कारक हो सकता है इसका, ठीक। तो ये छह कारक हैं बेसिकली, ये छह आप याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, लवणता के घटते क्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। देखिए वॉन लेक है जो, उसका है आपका 330%, ठीक, और आपका मृत सागर है उसका 238%, और यहाँ पर जो सॉल्ट लेक है यूएसए की, उसका है आपका 220%, और गल्फ ऑफ काराबुगास इसका है आपका 170%, ठीक। तो ये सभी लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
अगला देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी मतलब हाइट है जो बढ़ती है, तो टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ओजोन परत की जो उपस्थिति है उसके कारण क्या है, तापमान में अचानक परिवर्तन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर है जो वो पहले तो स्टेबल होता है शुरुआत में, ठीक है, लेकिन इट सडनली स्टार्ट्स चेंजिंग आफ्टर द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है। और फिर ये जो सडन चेंज है वो किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर की वजह से, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओजोन परत की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो तीसरा देखिए, ये जो परत है इसमें मौसम की गड़बड़ी से लगभग मुक्त होती है ना, फ्री फ्रॉम द वेस्टर्न वेदर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो ये फ्री होती है, इसी वजह से इसमें क्या है कि एरोप्लेन्स को प्रेफर किया जाता है इस परत में, ठीक। तो सही वाला यहाँ पर पूछा था, तो दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, काटाबेटिक हवाएं हैं जो वो घाटी तल पर तापमान कम करती हैं, ये सही स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा देखिए, घाटी के तल पर तल की जो गर्म हवा है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है, ठीक है, और इसको क्या एनाबेटिक विंड्स बोलते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। देखिए, मिनस्ट्रल विंड है जो वो नॉर्वे से है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके फ्रांस और स्पेन वाला जो रीजन है वहाँ से बिलोंग करती है, और ये है कैसी, ये आपकी कोल्ड विंड है, ठीक। और कार्बोरान है जो वो जावा से, नहीं गलत हो जाएगा, तारिम बेसिन से, और काइबांग आपकी जावा से है, ठीक है। और ये काइबांग, ये कार्बोरान है जो, ये तारिम बेसिन कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और ये है आपका इंडोनेशिया जावा में, और इसके लिए जो फेमस बात है, पूछा जाता है कि हार्मफुल फॉर द टोबैको कल्टीवेशन है, तंबाकू की खेती के लिए कौन सी है, तो कोइबांग है जो वो हार्मफुल मानी जाती है टोबैको कल्टीवेशन के लिए, ठीक। ये भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, सिरस बादल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे 2000 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये तो हाई क्लाउड्स है ना, हाई क्लाउड जो होते हैं वो 6000 से लेकर के 12000 मीटर की रेंज में होते हैं, ठीक है। और ये बादल चक्रवात के सूचक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मिल खाती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विली विली बिल्कुल सही, नरगिस म्यांमार ये भी सही है ना, ये 2008 में आया था म्यांमार में, और लैला है जो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आया था 2010 में, ठीक। तो ये भी सही है, तीनों यहां पर सही है, आंसर डी है। अगला देखिए, निम्नलिखित पेट्रोलियम खनन केंद्र है जो उनके साथ मिलान करना है, आपका एप्लेशियन है जो ये यूएसए वाले रीजन में है, दमम है जो ये आपका सऊदी अरब में, बुरहान पहाड़ी है जो ये कुवैत में, और किरकुक है आपका ईरान में, ठीक है। तो ये सभी मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग और औद्योगिक केंद्र, ठीक है, इनकी जोड़ियां आपको मिलानी है। देखिए, सूती वस्त्र यानी कि कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए आपका कायरो फेमस है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है ना, कायरो है किस जगह पे, इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट। और आपका जहाज निर्माण के लिए ब्यूनस आयर्स फेमस है, ये भी सही है, और ये आपका ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में, ठीक, अर्जेंटीना। और तेल शोधन के लिए आपका मरकैबो, ये कहाँ पर है, ये है वेंजुएला, ठीक। तो आपको सभी कुछ याद रखना, कभी कभी सूती वस्त्र इजिप्ट लिख दे तो भी सही है ना, जहाज निर्माण अर्जेंटीना ये भी सही है, और तेल शोधन वेंजुएला ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जस्ता भंडार पाया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में पाया जाता है जस्ता का ना, जिंक के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करके है राजस्थान में, वो उदयपुर वाले एरिया में, ठीक है। और बेसिकली राजस्थान में कौन सा वाला एरिया हो गया आपका, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये वाला जो एरिया है साउथ राजस्थान वाला, वहां पर आपका जिंक भंडार मिलता है, ठीक। और राजस्थान में जावर की खदानें है ना, जावर माइंस है जो, वो भारत में वाणिज्यिक खदानें हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, जावर माइंस है जो वो कॉमर्शियल माइंस है, ठीक। तो दूसरा सही है, पहला गलत है यहाँ पर, तो सत्य वाला पूछा है, आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, मैंगनीज आपका मिलेगा धारवाड़ युग की सेडिमेंट्री रॉक्स में, बिल्कुल सही है ना, कॉपर मिलेगा आपका वो झारखंड का जो सिंहभूम वाला एरिया वहाँ पर, ये भी सही है। और लौह अयस्क कड़प्पा और धारवाड़ की आग्नेय चट्टाने वहाँ पर, ये भी सही है, और उपर्युक्त सभी, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। थारू आपके गोरखपुर वाले रीजन में मिलेगी,
सही है ना, खरवार आपके मिर्जापुर वाले में मिलेगी, ये भी सही है, और सांसी आपके भरतपुर में, ये भी सही, और सहरिया आपके गुना में, ये भी सही। ठीक है, तो सारी हर स्टेट की सारी जनजातियां नहीं याद रखनी है, लेकिन कोई अगर न्यूज़ में है, जैसे कि सहरिया है ना न्यूज़ में रही है कि शिवराज चौहान ने इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम्स स्पेशली सहरिया जनजाति के लिए लॉन्च की हैं, तो ये गुना वाले रीजन में, ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। और ये हमारा एडज्वाइनिंग राजस्थान, जहाँ पे यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, वो किसके किसके साथ, मथुरा और भरतपुर के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सांसी जनजाति रहती है, उसको भी जान लीजिए। ठीक, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, कोयना भीमा, रूपेन माछू। तो देखिए, रूपेन और जो माछू, ये तो इनलैंड रिवर्स है, ठीक है, और कोयना और भीमा है जो, ये दोनों आपकी कृष्णा की सहायक नदियां। ठीक, तो आंसर 1 एंड 2 यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारी वर्षा और हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान के क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, सही है, ठीक है, और आपका ये मिट्टी चावल, रागी, काजू, इन सब चीज़ों की वहाँ पर खेती होती है, तो ये सही है ना, सत्य वाला इसमें पूछा है, बी सी आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, कौन सा, ट्रॉपिकल वेट डेसीडुअस फॉरेस्ट, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पाए जाते हैं 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर। और दूसरा देखिए, शिलोंग प्लेट्यू हो गया, शहाद्री हो गया आपका, ये वनस्पति के लिए ये प्रमुख क्षेत्र है इसके लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एवरग्रीन वाले हैं, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन को इंग्लिश में बोलते हैं आपका सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन वाले, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ये गलत वाला ढूंढना है, तो विष्णुप्रयाग बनता है आपका अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर, सही है, ठीक, और आपका नंदप्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी से, ये भी सही है, और देवप्रयाग बनता है आपका अलकनंदा और भागीरथी से, ये भी सही है, और रुद्रप्रयाग जो है वो बनता है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी से, ठीक है, और अलकनंदा और पिंडार, मतलब अलकनंदा और पिंडार, इससे बनेगा कर्णप्रयाग। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है आपके इकोसिस्टम की, वो किसकी वजह से, इकोलॉजिकल नीशे की वजह से, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की फंक्शनल यूनिट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए पायनियर स्पीशीज जो होती है उसकी जो वृद्धि दर है और जीवन अवधि, ये अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी वृद्धि दर तो अधिक होती है लेकिन जीवन अवधि है जो वो कम होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, कीस्टोन स्पीशीज की अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट टी पेन ने, कब दी है, 1969 में, ठीक, तो ये स्टेटमेंट है सही, आंसर हो जाएगा इसका डी, सत्य वाला पूछा था, ठीक। अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन है, वेटलैंड पर जो ये कन्वेंशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक, ये भी अपने एक क्वेश्चन है, जो कि वेटलैंड और उनके संसाधनों को, ठीक है, उनको संरक्षण को और संरक्षण करने के लिए और बेहतर उपयोग, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये कन्वेंशन 1971 में ईरानी शहर में, ठीक है, रामसर नाम है जिस शहर का, ईरान का शहर है, ठीक है, वहां पर अपनाया गया और 1975 से लागू हुआ, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, 1971 कई बार पूछा गया है, 1975 नहीं पूछा गया, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, और सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट्स हैं जो केरल में है, देखिए अस्तामुडी वेटलैंड है, ये केरल में है, और सस्तमकोट्टा भी केरल में, ठीक है, नंदूर महादेश्वर है जो ये आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ठीक है, इक्वेटर से जब आप पोल्स की ओर जाते हैं तो उसमें जो जो बायोम्स मिलेंगे उनको आपको क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले आपका सवाना आ जाएगा, ठीक, फिर आ जाएगा आपका प्रेरीज, फिर आएगा आपका टाइगा, और फिर आएगा आपका टुंड्रा, ठीक, तो ये सही सीक्वेंस में ही सारे लगे हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रिफ्स पाई जाती हैं, अंग्रिया तट यानी कि आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट में मिलेंगी, ठीक है, और कोंकण कोस्ट है कौन सा बेसिकली, देखिए जो पेनिनसुलर को जब आप बनाते हैं तो इसमें ये वाला जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको कहते हैं हम कोरामंडल कोस्ट, ठीक है, और जो ये वाला है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है, एक यहाँ से कच्छ से लेके खंबात तक, ये आपका हो गया गुजरात कोस्ट,
और खंबात से लेकर गोवा तक हो गया आपका कोंकण कोस्ट, और गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक हो गया आपका मलाबार कोस्ट, ठीक मलाबार, ठीक। तो ये है आपका कोंकण कोस्ट, ये वाला गोवा से कच्छ खंबात से लेकर आपका गोवा तक, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन में देखते हैं, नेत्राणी द्वीप है ये कर्नाटका में है, ठीक ये भी सही है, और अंडमान निकोबार में है ही है, कच्छ कच्छ में तो है ही है, ठीक। तो ये तो पता ही फेमस है दोनों, आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बीओडी का जो स्तर है उसको घटते क्रम में लगाना है। तो देखिए लुगदी है जो उसका होता है 10,000 से 15,000 PPM, ठीक है PPM, और दूध दुग्ध है जो दुग्ध उद्योग में आपको 2,000 से 10,000 PPM मिल जाएगा, ठीक है 10,000, और नगर पालिका सीवेज में आपका 100 से लेकर 400 PPM, और शुद्ध जल में आपका 1 से लेकर 3 PPM, ठीक। तो ये सब लाइन से ही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वेस्टर्न घाट्स के संरक्षण से कौन संबंधित है। माधव गडगिल समिति है जो ये संबंधित है, कस्तूरी रंगन समिति भी वेस्टर्न घाट के संरक्षण से संबंधित है, इंद्रजीत श्रीनिवासन है जो ये इससे संबंधित नहीं है, ये बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स कोड से संबंधित है, नेशनल स्पोर्ट्स कोड, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड आपका CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलॉन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये है जो ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस तो है, लेकिन इसको अभी तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो 2, 3 और 4 आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कोरल ब्लीचिंग केवल उच्च तापमान का परिणाम है, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 2010 के आसपास फ्लोरिडा में, ठीक है, ठंडे पानी की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग पाई गई है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग का परिणाम स्वरूप कोरल का रंग सफ़ेद हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन की उद्घाटन गुजरात में किया गया, ये गलत है क्योंकि तमिलनाडु में किया गया है, और इसकी स्थापना एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की गई, ये स्टेटमेंट सही है। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल हैं जो उनको उनके राज्यों के साथ मिलाना है। देखिए कन्नूर आपका केरल में है, कुंडापुर कर्नाटक में, मालवन महाराष्ट्र में, पुलिकट आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ए सी डी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फाइटो प्लैंकटन है जो वो क्लोरोफिल होता है उनमें, और वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए ही तो वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेके ओशियन वाटर में ट्रांसफर करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा जू प्लैंकटन है वो महासागरों में आपके समुद्रों में और ताजे जल में घूमते हुए जीव हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सत्य हैं यहाँ पर, सी आंसर। अगला देखिए, सहभोजी यानी कि कमेंसलिज्म है जो उसमें वो एक सहजीवी संबंध है, कैसा, एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरा प्रभावित नहीं होता, दोनों को लाभ होता है दोनों को नुकसान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कमेंसलिज्म में एक प्रजाति को तो लाभ होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नेचुरली कौन से पाए जाते हैं। तो उड़न गिलहरी तो पाई जाती है ना, चीता और डोडो है जो ये दोनों विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। तो उड़न गिलहरी है जो आपका सीता माता करके अभ्यारण्य है आपका राजस्थान में, ठीक है, उदयपुर के पास, और इसलिए यहाँ पर मिलेगी, और ये दोनों खत्म है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ओनली वन। अगला देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है जो, ठीक है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है। अब पूछा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें ये पूरी तरह से खत्म है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए HCNG है जो उसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% की कमी आई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बसों के ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर उसके पांचवा हिस्सा मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सत्य वाला पूछा है, आंसर सी हो जाएगा इसका, दोनों ही फैक्ट सही है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो वो सिविल कोर्ट की पावर रखती है, लेकिन किसी भी प्रक्रियागत कानून के से बंधे हुए नहीं है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, जो ट्राइब्यूनल है उसके खिलाफ अपील आप
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसके खिलाफ अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर के लिए और एसिड रेन के लिए कारण बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो ये सभी हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए, जेनेवा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, तो सही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए, जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर यह संधि है जो वो खामोश है, यही इसका नेगेटिव लूपहोल माना जाता है इसका, है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। आपका पोटेंशियल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा में टरबाइन, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ट्रांसमीटर का काम है, ये भी सही है ना, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। देखिए, सेफ्टी लैंप है जो वो उसकी खोज डेवी ने की है, सही है, और जेल बर्ड ने आपके टेलीविजन की खोज की, ये भी सही है। डायनामो है जो वो अल्फ्रेड नोबल ने नहीं किया था, अल्फ्रेड नोबल ने जो किया था वो था आपका डायनामाइट। ठीक है, और डायनामो जो था वो माइकल फैराडे। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, 1 and 2 सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, सही स्टेटमेंट है, और दूध को मथने पर क्रीम अभिकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है, तो ये वाला है जो गलत हो जाएगा क्योंकि अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय बल होना चाहिए यहाँ पे ना, अपकेंद्रीय सेंट्री फ्यूगल फोर्स होना चाहिए, है ना, अपकेंद्रीय। ठीक, तो दूसरा गलत पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रॉकेट की गति पर आवेग का संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा, न्यूटन के इससे पहले वारा मीर जो थे उन्होंने बता दिया था कि सभी वस्तुएं हैं जो वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षीय होती हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो वारा मीर नहीं थे, वो ब्रह्मगुप्त थे। ठीक, ब्रह्मगुप्त, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो आपका केशिकत्व है, कैपिलरी फिनोमिना है, उस पर उसके होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी पर बड़े पेड़ों का होना ये उसका है बिल्कुल, क्योंकि रूट्स हैं जो वो पानी है जो वो खींच लेते हैं। ठीक, और स्ट्रॉ का प्रयोग किया जाना ये गलत है। ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल एक फिनोमिना हो गया, है ना। उसके बाद देखिए, शाही का सोखना, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, फाउंटेन पेन है जो वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो कोशिका क्रिया पर करता है ना, कोशिका क्रिया। और आपका पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है ना, तो आंसर सत्य वाला पूछा है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि मिश्रण का संगठन है जो वो परिवर्तनीय होता है मतलब वेरिएबल होता है, सही है, और यौगिक का जो संगठन है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, ये स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अधातु के गुण को पहचानना है आपको, ये तन्य अथवा अघात वर्ध मतलब डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, तो ये तो मेटल का गुण हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। डक्टाइल का मतलब होता है कि तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और मेलिएबल का मतलब होता है पीट पीट कर शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, है ना, ये भी मेटल के बारे में है। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो ये सही है, और हाइड्रोजन आयोडीन ब्रोमाइन ये इनके उदाहरण है, ये भी सही है ना, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला दूसरा गलत, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। निकल हो गया, कैडमियम हो गया, जस्ता कार्बन, ठीक है, तो निकल कैडमियम फेमस ही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2 ए आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्रोमेटोग्राफी का जो एप्लीकेशन है वो बताना है आपको। तो डाई के रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का यूज, सही है। रक्त में से नशीले ड्रग्स को अलग करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है ना। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, नमक और अमोनियम क्लोराइड है जो, उसको अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है? अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन या क्रोमेटोग्राफी, तो वो होता है आपका सब्लिमेशन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, बोरोन से संबंधित कथनों पर विचार करना है, ये प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये बोरोन का फीचर नहीं है, ये मैग्नीशियम का फीचर है, ठीक। तो दूसरा देखते हैं, यह कोशिका झिल्ली की परंपरागत एवं प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक है, तो ये वाला सही है बोरोन के लिए, ठीक है। तो सत्य वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अगला देखिए, ट्रिटिकम दुरम, ठीक है, ये आपकी वीट की कैटेगरी, इसके बारे में कथन है। देखिए, ये मैक्रोनी वीट हो गया, सख्त गेहूं हो गया, इसे ये भी कहा जाता है, ठीक है। सूजी, रवा, पास्ता, ये सब इससे बनता है, ये दोनों यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। गेहूं के रोग हैं जो वो बताइए, रस्ट है ना गेहूं का रोग है, करनाल बंट भी है आपका, लूज स्मट ऑफ वीट ये भी है, और सेहू यानी कि ईयर कॉक ये भी है ना, सारे ही वीट के रोग हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत है वो 1959 में कौन लाया था? रिचर्ड फिनमैन, ठीक, तो ये सब सही है। और नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर, एड्स, मधुमेह जैसे रोगों को निदान और उपचार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बेसिकली क्या, दवा का वितरण है जो जीन थेरेपी एटसेट्रा, ये सब यूज जो है नैनो टेक्नोलॉजी के फेमस यूज है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना था, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, परख नली शिशु के मामले में क्या सही है? निषेचन माता के शरीर के भीतर होता है, बाहर होता है, या भीतर बाहर कहीं भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो निषेचन है जो माता के शरीर के बाहर होता है परख नली शिशु में, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो, उसके बारे में कथन है। देखिए, इस व्यवस्था में आमतौर पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख तो पीएम होगा, ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो दे आर अकाउंटेबल फॉर द लोकसभा, ये भी सही है ना। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला वाला गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में संविधान की एकात्मक विशेषता है जो, वो कौन सी है? राज्य अनश्वर है, सही स्टेटमेंट है ना। सशक्त केंद्र, ये भी सही है। एकीकृत न्यायपालिका, ये भी सही है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है जो, ये फेडरल फीचर है, ठीक, फेडरल फीचर। तो ये वाला है जो 1, 2 और 3 आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं कौन सी है? उत्तरदायित्व का अभाव है ना, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, एकल कार्यपालिका ये भी सही है, और पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी ये गलत हो जाएगा है ना, राजनीतिक एकरूपता इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इस अधिनियम के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो 1858 के एक्ट में हुआ था ना, तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, मिलान करिए, कनाडियाई संविधान है जो, शक्ति का विभाजन यहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है, और जापानी सिद्धांत से आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और आपका ब्रिटिश संविधान है जो, उससे संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, तो ये चारों यहाँ पर मैच हो जाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, सही है, और जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई, ये भी सही है, और डॉक्टर अंबेडकर ने 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, ठीक, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो चीजें लिखी है उनको आपको क्रम से लगाना है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, दूसरा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और आपका बंधुत्व बढ़ाना, ठीक है, बंधुत्व बढ़ाना, तो ये सभी हैं जो ये क्रम से ही लिखे हुए हैं, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कर देखिए। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1960 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अधिनियम पारित हुआ 1956 में, ठीक। तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, तो ये वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये इनको आपको लगाना है जिस हिसाब से ये गठन हुए हैं, ठीक है। तो गुजरात बना था 1960 में, नागालैंड बना था 1963 में, हिमाचल बना था 1970 में, और सिक्किम बना था 1975 में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करेंगे तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत में जन्म, वंश क्रम, पंजीकरण या किसी भी क्षेत्र में के राज्य क्षेत्र को शामिल होने पर नागरिकता हासिल की जा सकती है, ठीक है। तो यही इसके नियम है, ठीक, तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है जो भाग तीन में, अनुच्छेद 5 से 11 तक तो सही है, लेकिन भाग तो दो है ना, वो पार्ट टू, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अनुच्छेद 16(4) है जो, उसको लागू होने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके दो शर्तें हैं, है ना, अनुच्छेद 16(4), ठीक। तो देखिए, वह पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए, सही है। दूसरा, राज्य की राय में उस वर्ग को राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिला हो, ठीक। तो दोनों ही यही दोनों शर्तें हैं जो लागू होनी चाहिए, ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के आधार पर प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया और अनुच्छेद 15(4) स्थापित किया गया, ठीक है। तो वो था आपका गोलकनाथ केस, चंपकम दुरई राजन केस, केशवानंद भारतीय, मिनर्वा मिल्स। तो वो था आपका चंपकम दुरई राजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 21 के तहत पर्याप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है, तो सही स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा देखिए, आर्टिकल 21 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान है, ये गलत है क्योंकि वो तो दोनों को ही है, सर्टेन, और सिर्फ भारतीय नागरिकों कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक, 19, 29, 30, ठीक, ये सिर्फ ओनली फॉर द सिटीजन्स है, ठीक, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का जो मामला था उसमें आर्टिकल 21 के तहत किन चीज़ों को शामिल किया गया था। देखिए, प्रदूषण मुक्त हवा शामिल की गई थी, पानी का अधिकार शामिल किया गया था और अनिवार्य शिक्षा नहीं शामिल किया गया था, तो 1 और 2 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में अवसर की समता है ना का उल्लेख किया गया है, तो मूल अधिकारों में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया, मूल कर्तव्यों में ऐसी बात नहीं कही गई है, तो पहला और दूसरा यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत क्या है कि विचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विचरण सम्मिलित है, मतलब कि टेरिटरी के अंदर, जो हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर हर आदमी स्वतंत्र है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी कहीं भी बस सकता है, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 19 है जो, उसमें चुप रहने की स्वतंत्रता, मतलब ये अगर बोलने की स्वतंत्रता देता है तो साथ में हमें चुप रहने की स्वतंत्रता भी देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में कहा था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति है जो वो 3 बार उपराष्ट्रपति के पद में चयनित हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि उपराष्ट्रपति कितनी बार चयनित हो सकते हैं, ठीक है, तो कितनी बार भी हो सकते हैं अगर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, तो दोनों ही गलत हैं, डी आंसर हो जाए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है, सही है। मतभेद होने की स्थिति पर प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग भी कर सकते हैं और साथ में राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने के लिए सलाह भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अगर रिक्त हो जाता है तो कितने दिन के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, 14 दिन, 1 महीना, 6 महीने या कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, तो देखिए कोई भी समय सीमा इसमें मेंशन नहीं की गई है, यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें, है ना, यथाशीघ्र वर्ड मेंशन है, तो डी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक ही विदेशी दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले व्यक्ति बने? तो वो बने हैं आपके टी नटराजन, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आईसीसी की जो पहली विश्व कप चैंपियनशिप है वो फाइनल कब होगी? जून 2021 में, ठीक है। और आईसीसी की विश्व चैंपियनशिप जो टेस्ट चैंपियनशिप है, ठीक है, वो उसमें 9 टीमें शामिल है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में फिल्म तथा सीरीज है जो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ करती है, ठीक है। तो ओटीटी का मतलब यहाँ पर क्या है? ओवर द टॉप, ऑनलाइन टेलीविजन, इंटरनेट टेलीविजन या इनमें सभी? तो देखिए ओटीटी का मतलब है सभी, वैसे तो फुल फॉर्म इसकी ओवर द टॉप ही है, लेकिन उसको ऑनलाइन टेलीविजन भी कह देते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट टेलीविजन भी कह देते हैं, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी आंसर। अगला देखिए, बजट 2021 है जो, उससे संबंधित कथन है। देखिए, भारत में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया, सही है ना। इसके लिए एक ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप करता उस नाम से जारी किया गया, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा की, नरेंद्र मोदी की, आपके अनुपम खेर की या शबाना आजमी की? तो ये है फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा, ठीक है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 72वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो थे वो मुख्य अतिथि रहे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनविटेशन इनको भेजा गया था लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कोविड की वजह से, ठीक है। तो इस बार कोई भी नहीं था, ठीक, तो आंसर ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पहला जो गणतंत्र दिवस था उसमें इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे, ये वाला सही है, ठीक। तो सत्य वाला पूछा था, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जनवरी 2021 में भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षीय वार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, क्या नाम है उसका? सी विजिल, ठीक, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, सी विजिल 2021 संपन्न हुआ, सही है। और ये नौसेना का पहला सी विजिल रक्षा अभ्यास था, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहला नहीं था, ये दूसरा था, ठीक है। और पहला वाला जो था वो 2019 में हुआ था, ठीक, तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत की नव निर्माणाधीन संसद भवन है जो अभी जो नया बन रहा है वो कौन सी योजना है, किसके तहत बन रहा है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना, संसद भवन रीडेवलपमेंट परियोजना, संसद सौंदर्यीकरण योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो वो बन रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना। अगला देखिए, जनवरी 2021 में केवल महिला पायलटों के दल ने लगभग 16,000 किलोमीटर की एयर इंडिया की यात्रा विमान की उड़ान से कहां से कहां तक पूरी की है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिएगा कि 16,000 किलोमीटर है ये, ठीक। उसके बाद ये कहां से कहां तक की? सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई? तो वो किए सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघीय राज्य मतलब यूटी बनाया गया, तो सही स्टेटमेंट है, ठीक। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश में 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 50वां इसलिए बनाया गया क्योंकि 25 जनवरी 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा किया गया? तांडव, मिर्जापुर 2, पाताल लोक या फिर आश्रम? तो वो है आपकी तांडव, ए आंसर। अगला देखिए, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित देशों की उनकी बढ़ती हुई रैंक के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो मोजाम्बिक सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर जिम्बाब्वे, और भारत है जो उसकी रैंक है 7वीं, ठीक। तो आंसर इसमें लग जाएगा 1, 2, 3, 4, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हाल ही में क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुई है जो वो नीदरलैंड में आयोजित की है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? लघु किसानों को कोविड-19 के बाद अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए अनुसंधान आदि के माध्यम से सहायता करना, ठीक। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित कौन से स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प के कारण चर्चित रहा? नाकुला पास, बोमडिला, शिपकिला या डोकलाम? तो जनवरी 2021 में नाकुला पास जो था वो चर्चित रहा, आंसर ए हो जाएगा।
पृथ्वी की जो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित वन प्लैनेट सम्मेलन हुआ है उस पर विचार करना। देखिए वन प्लैनेट सम्मेलन है जो, ये दूसरा संस्करण था इसका, तो ये स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका चौथा संस्करण था, ठीक है। और पहला वाला जो था वो पेरिस समिट, पेरिस 2017 में हुई थी, ठीक। और दूसरा वाला कहाँ हुआ था, सेकंड न्यूयॉर्क में हुआ था और 2018 में, ठीक। और तीसरा जो था वो नैरोबी में 2019 में, और चौथी जो थी वो ये वाली थी अभी जो हुई, ठीक। तो फ्रांस में हुई थी ये सही स्टेटमेंट है। और थीम क्या थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर, ठीक। तो ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ये सॉरी पहला सही गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ट्रांसपोर्ट वन मिशन, याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट वन मिशन, और रॉकेट का नाम भी फाल्कन 9 याद रखिएगा, और कितनी में सेटेलाइट है 143, ठीक है, संख्या याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से, फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल से, ठीक सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह प्रक्षेपण स्पेस एक्स के स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम को समर्पित किया गया, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किस विदेशी राजनीतिज्ञ को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई, बोरिस जॉनसन को, सिंजो एबे को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो की गई है सिंजो एबे को, ठीक, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा ए है जो, ये अत्यधिक संक्रमण वाली बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है, सही स्टेटमेंट। और WHO ने अभी इसे कहा है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125th जयंती थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई, ये सही स्टेटमेंट है। और इनका जन्म होता है 1897, ठीक है, 23 जनवरी तो अभी याद ही रहेगा क्योंकि पराक्रम दिवस मनाया गया उस दिन, और 1897 में रहता है, याद रख लीजिएगा। और जापान में 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और क्योंकि वैसे तो इनकी डेथ जो है वो एक मिस्ट्री थी, ठीक है, लेकिन जापान में इसको शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2018 की स्थिति के अनुसार लेपर्ड की संख्या वाले राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाना है। देखिए तो MP में सबसे ज़्यादा है, कितने हैं MP में सबसे ज़्यादा, ये याद रख लीजिएगा, 3421, ठीक है। कर्नाटका में उसके बाद 1783, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में 1690, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तमिलनाडु में 868, है ना, ये सब कुछ बात याद रखिए, बस टॉप वाला याद रख लीजिए और इसका सीक्वेंस याद रख लीजिए, ठीक, ये ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब बताइए बाघ की संख्या के हिसाब से लगाइए, तो यहाँ पर बाघ की संख्या कितनी है, 526, ठीक। कर्नाटक में 524, ठीक, उत्तराखंड में आपके 442 और महाराष्ट्र में 312, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप ये टॉप वाला याद रख लीजिए और ये क्रम याद रख लीजिए, ठीक, टॉप 4 या 5 याद कर लीजिए, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूसरा, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, ठीक है, राजगीर कहाँ पर है, ये बिहार में, ठीक, बिहार में खुलेगा। तो और पहला वाला कहाँ है, पहला है जो वो सिक्किम में पेलिंग करके जगह है वहाँ पर, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह पुल चीन के होंगजू प्रांत में बने कांच के पुल की तर्ज पर बनाया जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए, मतलब प्राइमेट्स के लिए, एक बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु में, तो वो है आंसर तेलंगाना, ठीक है। प्राइमेट्स के लिए जो है सबसे पहला, जो ये दूसरा है बेसिकली, है ना, जो पहला था वो हिमाचल प्रदेश, ठीक। अगला देखिए, चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच शुरू की गई है, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या फिर भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, तो वो किया गया है भारत और बांग्लादेश, बी आंसर हो जाएगा। और ये 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें बंद कर दिया गया था और ये अभी वापस से रीस्टार्ट किया गया, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस है जो वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 2012 में मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी 2012 में, ठीक है। तो दूसरा, पहला सही दूसरा गलत, आंसर ए हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हीमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बी आंसर। ठीक, अगला देखिए, दो पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, ये परमाणु संपन्न मिसाइल है, सही है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये भी सही है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और पृथ्वी टू है जो, ये इसका द्वितीय परीक्षण है, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे तो नाम ही में लिखा हुआ है टू, है ना, तो ये भी सही है। अगला, पृथ्वी टू मिसाइल की मारक क्षमता है जो वो 350 किलोमीटर है, तो ये भी सही है ना, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है जो वो कितनी है, 131। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। और पिछली साल कितनी थी, 129, दोनों यहाँ पर गलत है। पेश कौन करता है इस रिपोर्ट को, UNDP। ठीक है, UNDP जारी करता है। ठीक, तो दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में USA ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि USA ने नहीं किया, वो चाइना ने किया। ठीक है, दूसरा, ये 500 मीटर अपर्चर रेस्फेरिकल टेलीस्कोप, फास्ट की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, ये नाम दिया गया इसका, तो ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू, बी आंसर। ठीक, अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देशज खेल शामिल किए गए? गटका शामिल किया गया, कलारीपयट्टू किया गया है, मलखंब किया गया और थंगता भी किया गया। ठीक, चारों ही किए गए हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेशन करने वाले देशों की निगरानी में भारत को डाल दिया, सही है। ठीक है, और टोटल इसमें क्या 5 देश शामिल किए थे उन्होंने, तो ये 5 नहीं किए थे उन्होंने, टोटल 10 देश शामिल किए थे। ठीक है, तो इसमें से एक बार नाम सुन लीजिए आप, भारत, चीन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक, ये 10 देश थे उस टाइम के, तो वो नाम नहीं पूछेंगे लेकिन ये 10 क्वांटिटी आपको याद रखनी होगी। सत्य वाला पूछा है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये कब मनाया जाता है, 10, 12, 14 या 16 दिसंबर को? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर, बी आंसर। अगला मैच कर लीजिए, देखिए जो SDG के गोल्स हैं उनमें पहला है जो उसका क्या है, गरीबी का पूर्णतः समाप्ति, है ना, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति, तीसरा है आपका अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, तो जब इसको मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, किसने सतत विकास को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो कौन थे वो, ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, UNEP था, या फिर UNFCCC या WHO? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी जो उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया था। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सतत विकास समाज के लिए आर्थिक समाज कैसे बनाता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो उनका उपयोग कम करके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, जैसे कि ऑयल और मेटल्स हैं, इन सब का क्या है कि प्राइस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, नॉन रिन्यूएबल्स के होने की वजह से, तो और ये रेयर भी होते जा रहे हैं। ठीक, तो ये वाला सही हो गया। दूसरा देखिए, अक्षय संसाधन मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको नियतता में उपयोग करके, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये क्या है कि ये अप्रोप्रिएटली यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, और बाद में रिन्यू भी किए जा सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, किसने संरक्षण के लिए विश्व रणनीति नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड मेंशन किया उन्होंने? तो IUCN, WTO, UNDP या WHO? तो वो किया IUCN ने। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। और ये कब हुआ था, ये 1980 में। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, निरपेक्ष गरीब मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हैं। देखिए, इसको उस स्थिति को परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी विषय में उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन का अभाव हो, मतलब बेसिक नीड्स को जब पूरा नहीं कर पाते तो वो एब्सोल्यूट गरीबी के अंतर्गत आता है। और सापेक्ष गरीबी तब होती है जब घरों में औसत घरेलू आय का 50% कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखिए, जब पैसा है लेकिन फिर भी बेसिक नीड्स से ऊपर आप अफोर्ड ना कर पाओ तो वो हो जाता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, और जब बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो पाए तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, 1989 में किसकी अध्यक्षता के लिए मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड्स, है ना, इस चीज के लिए एक टास्क फोर्स बनी थी, मतलब न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी खपत। ठीक, तो VM दांडेकर थे, नीलकंठ रथ,
डीडी लकड़ावाला या सुरेश तेंदुलकर। तो पॉवर्टी की एक कमेटी थी ये, और ये बनी थी लकड़ावाला कमेटी के नाम से फेमस है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, किस प्रकार की बेरोजगारी होती है जिसमें लोग एक नौकरी छोड़ते हैं और फिर दूसरी नौकरी पकड़ते हैं, ठीक। तो और जो ये पीरियड है बीच का, इसमें वो बेरोजगार रहते हैं, ठीक। तो इस टाइप की बेरोजगारी क्या कहते हैं, संरचनात्मक, घर्षणात्मक, केंद्रीय या फिर प्रचंड। तो इसको कहते हैं आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कमेंट्स के माध्यम में, ठीक है। अगला देखिए, एंजल के नियम के हिसाब से आय में वृद्धि, भोजन के व्यय पर कमी, आय में वृद्धि और भोजन पर व्यय में वृद्धि, या भोजन पर समग्र राशि की कमी, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, एंजल का नियम के हिसाब से जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर है जो फूड पर, वो आपका घट जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 14% की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और आदिवासी मामलों के मंत्रालय में 7.5% की वृद्धि हुई है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक क्षेत्र में बजट यूनियन बजट 2020-21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, MMR को कम करने के लिए, है ना, ये पता होना चाहिए कि MMR के लिए ही टास्क फोर्स का गठन करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और 2024 तक, ये सन याद रखिएगा, 2024 तक सभी जिलों में, ठीक, सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार होना है, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बागवानी क्षेत्र में, ठीक है, बेहतर विपणन और निर्यात के लिए वन प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना है जो, उसको घोषणा की गई है, ये सही है। और ये योजना है जो, ये उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही है, ये भी सही है ना, सत्य वाला पूछा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है जो, वो किसके बराबर है। देखिए, अमेरिका प्लस इंडोनेशिया प्लस ब्राज़ील प्लस पाकिस्तान प्लस जापान प्लस बांग्लादेश, ठीक है। इतनी जब प्लस करते हैं तब भारत की जनसंख्या बनती है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, पहली बार 2001 से 2011 में जो जनसंख्या है, इस ये एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर पिछले दशक से कम है, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है। और 2011 की जो जनसंख्या है जनगणना के अनुसार, भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया की 19.4% है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 17.5% है वर्ल्ड की, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत, पहला वाला सही, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार आपको साक्षरता बतानी है, ठीक है। देखिए, साक्षरता भारत की टोटल कितनी है, 73%, पुरुष की कितनी, 80.9%, और महिला की 64.6%, ठीक है। तीनों ही डेटा आप याद कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। और अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले 150 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।